जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, एक भागवतम में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, सेकेंड कैंटो में और अध्याय दो में, और श्लोक नंबर 37 यानी 37 नंबर श्लोक में, पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम कथामितं श्रवण पुटेषु संवृतम्, पुनन्ति ते विषयः विदूषिताशयम्, भजन्ति तच्चरणं सरोजहान्तिकम्। तो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य जो कथा है, सो क्या करते हैं, कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं। वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवनों देश को पवित्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय, जो भगवान की जो कथा है किसके तुल्य है, अमृत तुल्य है, और कथा को कैसे पीना है, कानों के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान की कथा को कानों के माध्यम से पीने के लिए, तो कर्ण रूपी पात्रों से जो भर भर के पीते हैं, क्या होता है उससे लाभ क्या होता है। ये भौतिक भोग के नाम से जो विख्यात दूषित है हमारा जीवन उद्देश्य, उसको पवित्र कर लेते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। देखिए भगवान की कथाएं क्या हैं, दिव्य हैं, है ना, और कानों के माध्यम से इसको पीने के लिए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और जब ये कानों के माध्यम से पी लेंगे तो क्या होगा, पूर्ण पुरुषोत्तम के चरण कमलों की आपको क्या होगी, प्राप्ति होगी, और क्या होगा, भगवत धाम चले जाएंगे आप। तो मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवनों उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने कारण है। देखिए हमारे जो जीवन जी रहे हैं इस भौतिक संसार में, सारे जीव का एक ही कार्य हो रहा है यहाँ पे, कि कैसे इस संसार पे प्रभुत्व जमाया जाए, है ना। सारी वस्तुओं क्या सोचता है कि मैं इसका मालिक बन जाऊं, है ना, सारे वस्तुओं को क्या करता है, प्रभुत्व जताना चाहता है इस संसार में। तो मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह इतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बढ़ता जाता है। तो जितना ही संसार में जीव जो है क्या करता है, भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जमाता है, तो क्या होता है उसको, उतना ही माया के द्वारा वो बढ़ता जाता है, फंसता जाता है। ये संसार एक दलदल के समान है, उसमें जीव जब पैर रखता है तो दलदल में उसको क्या होता है, सोचता है कि मैं इससे निकट जाऊंगा, लेकिन जितना ही वो दलदल में फंसता जाता है उतना ही क्या होता है, उसके पांव फंसते जाते हैं, उतना ही वो नीचे चला जाता है संसार में। तो हम देखते हैं क्या होता है, माया के द्वारा वो बढ़ता जाता है संसार में, और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। वो सोचता है कि मैं इसे बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन निकलने और कष्ट उसको बढ़ते जाते हैं। श्री भगवान मानव समाज की समस्त आवश्यकताओं की, यथा अन्न की, दूध की, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम,
रत्न, कपास, नमक, जल, सब्जी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं। देखिए भगवान सब कुछ दे रहे हैं, अन्न, फल, फूल, सब्जी सब कुछ दे रहे हैं, प्रचुर मात्रा में दे रहे हैं। तो जिसकी विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। तो भगवान देखते हैं कि समाज में और ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबका भरण पोषण कैसे हो, इसकी पूर्ति करते हैं भगवान। पूर्ति के सारे साधन हैं और न्याय संगत प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि मानव समाज में अन्न उगाने के लिए अपनी शक्ति को थोड़ा व्यय करना पड़ता है। तो जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने हेतु क्या होता है, यंत्रों का तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा विश्रामदायक नहीं बनाया जा सकता, वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही विश्रामदायक बनता है। तो आज के हमारे समाज में बोलते हैं लोग कि सादा भी जीवन उच्च विचार होना चाहिए, तभी हमें क्या होगा, सुख शांति स्थापित होती मिलती है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी क्या ने बताया है क्या, कि मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है ना, और यह है क्या, श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण करना। तो जो ही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है उसे क्या होता है, इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए क्या है, प्रकाश पुंज के समान है। देखिए इस सूर्य के समान है श्रीमद् भागवतम। उसे क्या होगा, जब हम पढ़ेंगे तो इस अंधकार रूपी जो हम रह रहे हैं इस भौतिक संसार में प्रकाश की ओर जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री राजीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक पे आए कथामृतम शब्द की व्याख्या की और संकेत दिया कि श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान का अमृतमय संदेश है। देखिए जो अमृतमय संदेश है उसको बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। और श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना समित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांति में जीवन बिता सकेंगे। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ऐसा है जो सारे मनुष्य जीवन के लिए लाभप्रद है, और श्री भगवान के जो शुद्ध भक्त के लिए श्री भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है। और चूंकि ऐसे कथाओं को अनुमोदन कौन करता है, नारद जी करते हैं, हनुमान जी, नंद महाराज जी और वृंदावन के अन्य निवासी द्वारा भी किया गया है। अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय आत्मा को भाने वाला है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की कथाओं का क्या करें, निरंतर सुनते रहें और क्या करें, मनुष्य जो है श्री भगवान के पास पहुँच कर क्या करेगा, विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई जो भक्ति योग विधि है प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात श्री भगवान की दिव्य कथा को केवल श्रवण करने से, श्री भगवान के विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कलमश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यासकर्ता जो है भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता, उसे छद्म भक्त समझना चाहिए और ऐसे पाखंडी के लिए भगवत धाम से छूटने हेतु कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमें शास्त्रों को अच्छे से पढ़ करके और उसका अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।